न्यूज में आज देखिए, भुवनेश्वर की यूनिट 8 सेवा केंद्र के 29 वर्ष हुए पूरे। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी ने जीवन में आध्यात्मिकता का बताया महत्व। स्वागत है आपका पीस न्यूज बुलेटिन में, मैं हूं पूजा। भुवनेश्वर से जुड़ी इस खबर के अलावा बुलेटिन में आज कोलकाता में बीके कानन मदर टेरेसा अवार्ड से हुई सम्मानित। मध्य प्रदेश में आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर से संस्था के सदस्यों की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के भिलाई में पी स्टूडियो की हुई शुरुआत। जीवन जीने की सामग्री का होगा निर्माण, मिलेगा ईश्वरीय संदेश। और आखिर में ओडिशा के पुरी में चुनौतियों का सामना करने के लिए मूल्य एवं आध्यात्मिकता विषय पर एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस। किताबी ज्ञान के साथ जीवन में मूल्यों का ज्ञान होना जरूरी। भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र की 29वीं सालगिरह पर समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग केंद्र राज्य मंत्री प्रताप चंद्र सारंगी भी शामिल हुए। उन्होंने अपने जीवन के निजी अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि मानव जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान के बिना सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। अभ्यास प्रतिदिन जो ध्यान इस अवसर पर वार्षिक थीम स्वर्णिम युग के लिए परमात्म शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम भी आयोजित हुआ, जिसमें अन्य मुख्य अतिथियों में नीति आयोग विजन डॉक्यूमेंट 2035 के सदस्य तथा स्टेट प्लानिंग बोर्ड के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त जगदानंद, सदस्य लोकायुक्त देवव्रत स्वैन, विधायक अरविंदा धाली, भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी समेत अन्य गणमान्य लोग व संस्था के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में आए मेहमानों ने वर्षगांठ की बधाई दी और 29 सालों में संस्था के द्वारा समाज बदलाव के कार्यों को सराहा और भविष्य के लिए भी अपनी शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर दीप प्रज्वलन, केक कटिंग समेत सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं नृत्य नाटिका भी प्रस्तुत की गई। इस आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए यदि मुझसे कोई भूल हो जाएगी तो ओम मंडली माता को संपूर्ण अधिकार है कि वो मुझे कुछ पनिशमेंट दे और मैं उस पनिशमेंट को सहर्ष स्वीकार करूंगा। इमती करीबी से पत्र भी लिखी बाबा से, जो ओम मंडली माता को आकर पढ़ी करी निज को निजे ईश्वरीय सेवा रे ओम मंडली ने समर्पित करे। इसी के चलते सड़क सुरक्षा हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है, इस विषय को लेकर शहर में रैली भी निकाली गई, जिसका यातायात के पुलिस उपायुक्त सगारिका नाथ, आईआईसी प्रमोद पटनायक ने शुभारंभ कर अपने विचार रखे। इस रैली में सरस्वती शिशु मंदिर तथा राजभवन पीयूपी स्कूल के छात्रों ने हिस्सा लिया। कोलकाता में राजा रहाड़ न्यू टाउन के नजरुल तीर्थ में विजया सर्वजय सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। हेलो हेरिटेज एंड चित्रांगदा के संयुक्त प्रयास से आयोजित इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की 10 प्रभावशाली महिला व्यक्तित्वों का चयन किया गया, जो मां दुर्गा के 10 हाथों का प्रतिनिधित्व करती हों। पिछले वर्षों में अपने क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी इन महिलाओं का सम्मान हुआ, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज में कोलकाता म्यूजियम की प्रभारी बीके कानन भी शामिल रहीं। बीके कानन को यह सम्मान पश्चिम बंगाल में शांति और सद्भावना स्थापित करने की दिशा में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए बीके कानन को मदर टेरेसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर हिडको के अध्यक्ष देवाशीष सेन, फीफा की मेंबर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एलओसी सुब्रत दत्ता समेत अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां मुख्य रूप से मौजूद थीं। अगली खबर गुरुग्राम के नॉर्थ केप यूनिवर्सिटी की है, जहां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मैनेजमेंट आयोजित हुई। इस मौके पर शिक्षाविदों, पेशेवरों, सलाहकारों, चिकित्सकों, विद्वानों और छात्रों ने अपने रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट किए, जिसमें ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय से आई बीके सविता को बेस्ट पेपर अवार्ड से नवाजा गया।
विनिंग इन अ VUCA वर्ल्ड थीम के तहत हुए इस आयोजन में 500 संकाय प्रतिनिधि, एक्सपर्ट्स, प्रैक्टिशनर और कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही, जिन्होंने लीडरशिप एंड चेंज मैनेजमेंट पर अपने विचार रखे। मध्य प्रदेश के खारगोन सेवा केंद्र की प्रभारी बीके किरण ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर, PWD मिनिस्टर सज्जन वर्मा से मुलाकात की और ईश्वरीय संदेश दिया। आगे तस्वीरें दिखा रहे हैं खारगोन सेवा केंद्र की, जहां स्नेह मिलन कार्यक्रम में आए सांसद गजेंद्र पटेल, भीकन गांव की विधायिका झूमा सोलंकी तथा बीजेपी जिलाध्यक्ष परसराम चौहान को ईश्वरीय संदेश देते हुए सौगात भेंट की गई। छत्तीसगढ़ की भिलाई में ब्रह्मकुमारीज के राजयोग भवन में पीस स्टूडियो का निर्माण किया गया है, जिसका शुभारंभ भिलाई सेवा केंद्र की प्रभारी बीके आशा समेत अन्य बीके बहनों के द्वारा संपन्न हुआ। इस अवसर पर बीके आशा ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए पीस स्टूडियो द्वारा की जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया। हर आत्मा परमात्म प्राप्तियों से अपने को धन्य धन्य महसूस करेंगी, और इसी शुभ भावना और शुभ कामना से हमारी सब बहनें, हमारे सब भाई, सबकी इसमें सहयोग की उंगली लगी है, सहयोग का सहयोग या मदद सबकी है, और हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। इस मौके पर नीको इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट संग्राम स्वैन, श्रद्धा स्वैन, गायक बी के पोषण, बी के रामचंद समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। ओडिशा के पुरी स्थित गौडली राजयोगा रिट्रीट सेंटर में चल रही अखिल भारतीय शिक्षा प्रभाग की त्रिदिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान चुनौतियों का सामना करने के लिए मूल्य एवं आध्यात्मिकता विषय पर एजुकेटर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई, जिसमें प्रसिद्ध शिक्षाविद और स्थानीय शिक्षकों के साथ साथ शिक्षा की विभिन्न धाराओं के गणमान्य व्यक्ति मौजूद हुए। सम्मेलन के मुख्य वक्ता मुख्यालय से आए शिक्षा प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके सुमन ने बताया कि दुनिया में ज्यादातर लोग खुद को अपने पेशे के आधार पर पहचानते हैं, लेकिन मनुष्य का वास्तविक स्वरूप ज्योति बिंदु है और हम सभी आत्माएं हैं। वहीं कार्यक्रम में अतिथियों का कहना था कि किताबी ज्ञान एक शिक्षक के लिए पर्याप्त नहीं है, शिक्षण के लिए आंतरिक उत्साह का होना आवश्यक है। सम्मेलन में फकीर मोहन विश्वविद्यालय बालाशोर के उपकुलपति प्रोफेसर डॉ. मधुमिता दास, के IIT विश्वविद्यालय के एडवाइजर प्रोफेसर डॉ. BC गुरु, श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हरिहर होता, संस्था में मूल्य शिक्षा और आध्यात्मिकता पाठ्यक्रम के निदेशक बीके डॉ. पांड्यामणि, GRC की निदेशिका बीके निरुपमा एवं अन्य अतिथियों की विशेष उपस्थिति रही। मुख्यालय के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान नेपाल दौरे पर हैं, जहां उनका संस्था के आनबू खैरनी सेवा केंद्र पर मनकामना FM रेडियो और इच्छा कामना TV चैनल द्वारा इंटरव्यू लिया गया, जिसमें रेडियो स्टेशन मैनेजर तथा संवाददाता चित्र ग्रूम ने उनसे कई सवाल पूछे। नैतिक शिक्षा का कुरा भयो, संस्कार का कुरा भयो, हैन, तनाव मुक्त जीवन कसरी जिउने बताइदिनुस् न। हाँ, वर्तमान समय नैतिक शिक्षा की बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल के समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को नैतिक शिक्षा सिखाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैं तो काफी भारत में करीबन 9000 जितने स्कूलों में, और वैसे तो नेपाल में भी हर साल आता रहता हूँ, और इस तरह से नैतिक शिक्षा सिखाना जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इन गुणों को सिखाना आजकल की जरूरत है, क्योंकि आज के बच्चे यही भावी नागरिक है। लेकिन आज केवल स्कूलों में केवल बच्चों की IQ डेवलप की जाती है। IQ मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। वो यहाँ से IQ तो सीखते हैं, होशियार बनते हैं, लेकिन समाज की परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसी क्रम में दमौली FM द्वारा भी बीके भगवान ने ईश्वरीय संदेश और सकारात्मकता से तनाव मुक्ति का संदेश दिया। तो आपका जो ये नेपाली, नेपाल में आप आए हो, कैसे कैसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं? नेपाल में तो आया हूँ तो काफी अच्छा लोगों को लग रहा है। जब स्कूलों में जाता हूँ, स्कूलों में जो बच्चे सुनते हैं उनको ये बहुत अच्छा नैतिक शिक्षा की, क्योंकि आजकल मैं देखता हूँ युवाओं के अंदर अच्छा बनने की इच्छा है, लेकिन उनको दिशा देने वाला चाहिए। जब मैं उनको कहानियों के माध्यम से, अपने जीवन के लाइफ के माध्यम से, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जब इस सुनाता हूँ, उनको बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। इस दौरान API संवाददाता पवन पोडेल ने बीके भगवान से आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा भी की।
अब डालते हैं एक नजर अन्य कुछ खबरों पर। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में जीवन जीने की कला विषय पर आयोजित कार्यक्रम को इंदौर से आए बीके नारायण ने संबोधित किया। मौके पर आबू रोड से आए नेचुरोपैथी सेंटर के डॉक्टर श्याम, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सामा मौजूद रही। अरुणाचल प्रदेश के तेजू में गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तमला नगर तथा लोहित जिले के क्रिक एंड बोरी मेमोरियल स्कूल के विद्यार्थियों को मुंबई से आए कॉर्पोरेट ट्रेनर बीके ईवी स्वामीनाथन ने जीवन में मूल्यों को धारण करने के लिए प्रेरित किया। आगे जोनल हॉस्पिटल तथा डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल में भी कार्यक्रम सम्पन्न हुए। हिमाचल प्रदेश के ऊना में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिविर में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं गांव की महिलाओं को स्थानीय सेवा केंद्र से आई बीके डॉक्टर किरण ने राजयोग मेडिटेशन के बारे में बताया और मन की शांति से तन की स्वस्थता को लेकर भी विचार रखे। आज की खबरों में बस इतना ही। और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।